आज के वीडियो में हम बात करेंगे शॉर्ट एंड ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। इक्वल टू साइन है वो बेसिक सबसे पहला असाइनमेंट ऑपरेटर है। वो क्या करता है, लेफ्ट हैंड साइड जो वेरिएबल हमने स्पेसिफाई किया है उसमें राइट हैंड पोर्शन जो कुछ भी लिखा हुआ है वो उसमें स्टोर कर देगा। वो कोई भी कॉन्स्टेंट भी हो सकता है, राइट हैंड पोर्शन मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी हो सकता है, या सिम कोई भी एक स्टेटमेंट हो सकता है। स्टेटमेंट मतलब के वेलकम मैसेज हमने लिखा हुआ है, स्ट्रिंग वैल्यू लिखी हुई है, कॉन्स्टेंट लिखा हुआ है, या ए प्लस बी हमने लिखा हुआ है, कोई भी हो सकता है। जो कुछ भी होगा वो रिजल्ट हमें लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल में विद हेल्प ऑफ इक्वल टू हम उसमें स्टोर करवा सकते हैं। वो हमेशा राइट टू लेफ्ट वर्कआउट करता है, लेफ्ट टू राइट कभी वो वर्क नहीं करता। मतलब कि जो सेवन है उसमें ए नहीं स्टोर करेगा, टू है उसमें वो बी स्टोर नहीं करेगा, बल्कि ए में वो सेवन स्टोर करेगा और बी में वो टू स्टोर करेगा। शॉर्ट एंड ऑपरेटर के बारे में अगर हम बात करें तो मान लीजिए यहाँ पे ये सी वेरिएबल हमने लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ ए वेरिएबल। मतलब कि अगर स्टेटमेंट को अगर हम ध्यान से देखें तो क्या हुआ, हमें हमारे पास ऐसा एक वेरिएबल है वो जो टू टाइम रिपीट होता है, यहाँ पे एक लेफ्ट हैंड पोर्शन में इक्वल टू में और राइट हैंड पोर्शन में। तो शॉर्ट एंड ऑपरेटर क्या होता है कि जो रिपीटेड ऑपरेटर है, रिपीटेड ऑपरेटर वो हमें लिखना है इन अ लेफ्ट साइड, और सिंगल टाइम जो वेरिएबल अपीयर होता है वो हमें लिखना है राइट हैंड साइड। ये पूरा स्टेटमेंट क्या हुआ, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, हमारा जो कुछ भी रिजल्ट है हमें वो मिलेगा कुछ सिंटैक्स में गलती की हुई है मैंने, फिर से हमें वो वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करना है, एक बार हमने तो डिक्लेयर कर ही दिया है। अब उल्टा सपोज करना है, मतलब कि b इज इक्वल टू b प्लस a लिखना है, तो क्या करेंगे, रिपीटेड वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड, सिंगल टाइम अपीयरेंस वेरिएबल राइट हैंड साइड। तो अब ये स्टेटमेंट क्या हुआ, b इज इक्वल टू b प्लस a, तो यहाँ पे a की वैल्यू अगर हम डिस्प्ले करवाएंगे तो हमें डिस्प्ले होगी सेवन। देखिए हमें एडिशन जो करवाया है वो बी में करवाया है, इसलिए हमें यहाँ पे करना होगा बी। अब जो हमारा रिजल्ट है वो हमारे पास अवेलेबल है, मैं अंडू कर देता हूं। अब दूसरे जो ऑपरेटर्स आते हैं, मतलब कि a इज इक्वल टू a प्लस बी की जगह a माइनस बी होता है, a मल्टीप्लाई बी होता है, a डिवीजन बी होता है और a मॉड्यूलस बी होता है। तो यहाँ पे सिंपली हमें हर बार साइन चेंज करने की जरूरत है। ये हो गया a इज इक्वल टू a माइनस बी फाइव, यहाँ पे दूसरा ऑपरेटर लिखिए a इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाई बी 14, डिवीजन लिखिए a इज इक्वल टू a डिवाइड बाई बी, और लास्ट में मॉड्यूलस ऑपरेटर a इज इक्वल टू a डिवाइड बाई फी a डिवाइड बाई बी। तो ये शॉर्ट एंड ऑपरेटर हुए। यहाँ पे पॉइंट वैल्यू एक बार कर लेके देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा मैंने 7.5, एग्जीक्यूट कीजिए तो यहाँ पे हमें मिला 1.5। ये मैंने क्यों किया, ये डिफरेंस दिखाने के लिए कि जो सी लैंग्वेज हमें ऑलरेडी शायद आप लोगों ने स्टडी की हुई है टर्बो सी, उसमें फ्लोटिंग वैल्यू जो कुछ भी है उसमें मॉड्यूलस ऑपरेटर अलाउड नहीं है। हम सबसे पहले वेरिएबल जो डिक्लेयर करते हैं आई एन टी ए कोमा बी कोमा सी फ्लोट एक्स कोमा वाई कोमा जेड, तो फ्लोट डेटा टाइप पे हम मॉड्यूलस ऑपरेटर इस्तेमाल नहीं कर सकते, इंटीजर पे वो अलाउडेड है। तो इसलिए मैंने करके यहाँ पे लिखाया, आप पॉइंट में भी मॉड्यूलस ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थे शॉर्ट एंड ऑपरेटर। वीडियो देखने के लिए आपका पूरा पूरा सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वर्क अप्रिशिएट कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपडेट रहिए।